आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल जाल फ्रेजी। जाल फ्रेजी का मुख्य इंग्रेडिएंट है मखनी ग्रेवी। ये तीखेपन और हल्के से मीठेपन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका मेरे किचन में स्वागत है। वेज जाल फ्रेजी सब्जी बहुत ही स्पाइसी, हल्का सा स्वीटनेस लिए हुए बहुत ही बढ़िया सब्जी होती है। इसे आप अपने घर पे जरूर बनाएं। तो फिर शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब बटर को डालेंगे। आप बटर की जगह तेल या घी का भी यूज कर सकते हैं। इसी में हम रफली चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देंगे। इसी में रफली चॉप किया हुआ थोड़ा प्याज डालेंगे, कुछ लहसुन की कलियां डालेंगे, थोड़े से काजू को भी डालेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ताजी क्रीम को भी डालेंगे। ये घर पे बनाई हुई क्रीम है, मैं इसमें डाल रहा हूं। 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि जाल का मतलब होता है स्पाइसी, तो तीखेपन के लिए हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डालेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। और इसको पकाएंगे। अब हम इसे तेज आंच पर ढककर 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका पानी का लेवल भी कम हो जाए और सारी सामग्री बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। हमने सारी सामग्री को 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। हमारे टमाटर और प्याज बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। सब्जी को मीठापन देने के लिए 1/2 टीस्पून के करीब शुगर डालेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। सारी सामग्री हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सारी सामग्री पेस्ट बनाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। हमारी सारी सामग्री अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम जाल फ्रेजी बनाना शुरू करते हैं। हम उसी कढ़ाई को पुनः काम में लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब बटर को डालेंगे। आप बटर की जगह ऑयल या घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसमें हम सब्जियों को डालेंगे। मैंने इसमें 3 रंग की शिमला मिर्च का प्रयोग किया है, गाजर को डाला है, बीन्स ली है, फूल गोभी ली है, आलू लिए है, मूली ली है, मटर लिए है, पनीर लिए है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार और स्वाद के अनुसार सब्जियों को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इसमें और भी कई सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं और कई सारी सब्जियों को कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। हमें सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, हमें 80 से 90% तक ही पकाना है। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार सब्जियों को डाल सकते हैं। आप केवल 1-2 सब्जियों से भी इसे बना सकते हैं और बहुत सारी सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं। वहीं पकाने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो हम इसे हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां अच्छी तरह से नहीं पक जाती, तब तक हम इसे पकाएंगे। हमारी सब्जियां 80% से अधिक पक गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक डाला हुआ है, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालें। इसे हिलाते रहें ताकि सब्जियां जले भी नहीं और सभी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। तो हम इसे टॉस भी कर सकते हैं और कलछी की सहायता से इसे हिला भी सकते हैं। और इसमें 3 चम्मच के करीब ग्रेवी को भी डाल देंगे। ग्रेवी को डाल के अब इसे हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब हमारी वेज जाल फ्रेजी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। आप भी इस तरह की वेज जाल फ्रेजी घर पे बनाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारे वेज जाल फ्रेजी की बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गई है।
आप भी इसी तरह की रेसिपी अपने घर पे बनाएं और अपने परिवार को बना के खिलाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी लगी कैसी। साथ ही आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Wow.